आपको मैं अभी चल के दिखाता हूँ कितना समय लगेगा ना, देखो आप। काटला फरो कहाँ पहुँच गया है? पलंग संग रे नकली वाला पलंग संग रे क्या बोलेगा, ऐसे ही है आजकल, जॉगिंग वोगिंग नहीं कर पाते है ना। पलंग संग रे ऐसे है, पहले जो जमाना में ना, पिताजी का पिताजी उसका समय में कहा जाता है कि ये पत्थर में कुछ बालू का मटा है या टाइगर का मटा है या लायन का मटा है, बहुत सारा जानवर का मटा है। और कुछ कुछ ये जो स्टोन लेट किया है आर वेलफेयर सोसाइटी है AWS, तो इसलिए जो भी है या मैं कोई किसी को गलत का इंफॉर्मेशन नहीं देना है, सही का सही इंफॉर्मेशन देना है। या मैं हिंदू रिलेटेड कुछ भी शिव का या गणेश का कुछ भी पूजा है, कुछ मूर्ति वूर्ति स्टैचू कुछ नहीं है, टेम्पल वेम्पल मंदिर तो नहीं है। होगा मिलेगा। हाँ अब पानी चाहिए, पानी पिएगा, पानी चाहिए, गाड़ी भी है। ये देखो मिस्टर जगुआ बहुत अधमरा हो गया, हालत पूरा बिगड़ गया है उसका तो। जिस अभी थोड़ा आगे में ठीक था और यहाँ पहुँचते हुए डायरेक्ट हो गई बोल पाली। देखो फिलहाल मैं जो देखने के लिए आया था ओपन चुका है अभी, और यहाँ मैं आते हुए देखो यहाँ मैं कुछ भी कंफ्यूज होने का जगह नहीं है। आप इस तरफ देखेगा एक झरना है, एक झरना है, फिर ये बीच से जाके आपको सीधा ये उसको दिखाई देगा, यही से हम लोग उठ जाना है और खोलती भी बने रहना आपको। और देखे और इसमें भी लिखा हुआ है कि पलंग संग्रह, बहुत इतना विजिबल नहीं है लेकिन ना, लेकिन ये देखो जो भी अगर वहाँ से गुजर के आएगा रास्ता से मेन रोड से ना, तो आपको ये घाटी देखेगा सीधा दिखाई देगा। और खास करके ये देखो झरना दो तू है आपका, तो बीच से आप ये सीढ़ी निकाल उठता है, तो इसमें आप सीधा उठ के जाना है। तो फॉलो करो कैमरा मैन, मेरे साथ बने है ना, चलो कुछ तो देखो ये पत्थर को देखो, कुछ डरावना लग रहा है। देखो जब भी बारिश आएगा आप आराम से या चुपके या डूब के आप आराम से चुपके बैठ सकता है, लेकिन डर भी है। ये तो भयानक है, देखो आप उसको अच्छे से दिखाए। ये पत्थर को ऐसे लगता है कि जो गुफा का अंदर में पहले एक जो बेत होता है, हम लोग का जैसे में तफिन बोलता है और इंग्लिश में जो बेत बोलता है ना, ऐसे बेतने उतने का घर जैसे लग रहा है, लेकिन ये तो बेत तो नहीं है, बाहर में कुछ ना कुछ तो बेता होगा। आपको मैं अभी चल के दिखाता हूँ कितना समय लगेगा ना, देखो आप। अभी है एग्जैक्टली समय जो 12 बज गया है, तो यहाँ से कितना समय तक मैं वहाँ पहुँचेगा तो उसको मैं दिखाऊंगा अभी। देखो मक्की तो बहुत उड़ रहा है, आया हाँ यार चाहता हूँ काटला फरो ये एक आंख में ना बहुत मक्खी उड़ रहा है। आपको हो रहा है डिस्टर्बेंस? अरे क्या बोलता है उसको मक्खी को हमारा निशे में? हेंद्रमा बस्ती में बैठती है, मालूम नहीं है। देखो हम जब बोला तब क्या तू बस्ती बैठ रहा है तपमा तो सू तसा सी दोमा दिना ये बहुत ज्यादा वालता है। ये पत्थर देखो
इतना भयानक है। कहाँ पहुँच गया है? पलंग संग्री नकली वाला पलंग संग्री। मेरा दोस्त इसमें कुछ ध्यान दे रहा है। आपने आप लोग देखे अभी अभी तक बचिल रहे। और भी दूर है क्या? मालूम नहीं, हम भी बस थे, मैं कभी नहीं गया रे। नहीं सकेगा वो बोला, नहीं सकेगा। और एक पीछे में आया ना, पंचे आने दो आराम से। टूरिज्म प्लेस हमने एक लंपियाँ का आया मचाए अभी तो शुरुआत है ना, बाद में जब पूरा पॉपुलरिटी हो जाएगा तब भरपूर आदमी आएगा टूरिस्ट लोग। ये बुरा है ना जवान है, मालूम नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो पसीना अभी आधा मोरा निकल गया। हाँ उपाय नहीं, हालत ख़राब हो गया। हाँ हार्डली कितना 10 मिनट तक चला है। 10 मिनट में अगर ऐसे होता है तो कहाँ होगा। हेलो क्या बोलेगा, ऐसे ही है आजकल, जॉगिंग वोगिंग नहीं कर पाते हैं ना, उसका कारण थोड़ा जाने से भी हालत ख़राब हो जाता है। टाइट अभी जो आप लोग पूरा देख रहे हैं ना, एक्सरसाइज करो बोलता है, नहीं मानता है, इवनिंग या रात हो जाता है, कुछ और ही अलग मेडिसिन देता है। बोलू का ऐसे हालत होता है। देखो ऐसे नहीं लेना है, हम तो नहीं लेता है, बहुत तेज से चल रहा है। इतना अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन ये थक गया थक गया। और बहुत दूर है जैसे लग रहा है अभी तक तो, लेकिन जितना चढ़ा है ना उसको, जो पहने वाला अब वाला चढ़ा है उसको तो क्रॉस कर चुका है। अभी थोड़ा सा ये भी अब तो है, लेकिन जो पहले शुरुआत में था उसका जैसे नहीं है। ठीक है, सांस बहुत फूल रहा है। या मैं अगर आने से अब जब समर को आएगा तो वाटर प्रूफ एक्सपो होता है ना, उसको पिन के आ जाए, जो गम्बूत होता है, और जो स्पोर्ट्स शू या जो कैजुअल ऐसे शू पिन के आएगा तो पूरा किचर किचर है, जूता का हालत देखने का लायक नहीं होगा। और ऐसे भी मेरा भी जूता देखो पूरा गंदा हो चुका है। समर को तो तकलीफ तो है, शायद विंटर को अच्छा होगा इसमें आने के लिए। हमें सबको जर के जर है। दुआ करें कि कोई चोरी ना करे। आज रास्ता जो पहले यंगतक का मेन टाउन में एक बार हम लोग होके राइट साइड चला गया था, फिर लेफ्ट साइड आना पड़ा यंगतक का मार्केट को पार करके, फिर आते आते फिर वहाँ से आया है, फिर अभी पता चला कि एक इलायची गार्डन निकला है गर्दमम का। फिर हमने सोचा इलायची का ये गर्दमम का ऊपर में होता होगा, लेकिन अभी यहाँ में मालकिन है, मालिक जो ना, तो उसे मालूम चला है कि फिर से गलत दिशा में आया हम लोग जो, तो मालिक से कुछ वो जानता है ना नहीं जानता है मालूम नहीं, लेकिन मैं अपना कुछ बारे में पूछ के देखता हूँ पलंग संग्रह के बारे में। सबसे पहले है कि पलंग संग्रह के बारे में ना थोड़ा सा आप जो जानता है थोड़ा बता दीजिए, हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या होता है ना, कैसा है। और पलंग संग्रह ऐसे है, पहले जो जमाना में ना पिताजी का पिताजी इसका समय में एक बालू तेर से मारा था। उसका समय में पलंग संग्री अंदर बालू जो पलंग संग्री का अंदर घुस गया, तो उधर पलंग संग्री का नाम हो गया इसका इससे। अच्छा, तो वहाँ में क्या जनजात जो बेटा था आदमी, मतलब पलंग संग्री हम लोग को बेटा है। आप लोग क्या है? हम लोग बस्ती उस तरह में है। नहीं, आपका जो टाइटल तार, तार, तार आए। हम लोग तार है। अच्छा। तार आदमी बेटा है। तो पलंग संग्रह जो तार लोग का है। तार लोग का है। तो और भी कुछ मालूम नहीं है? उसका बाकी हम मालूम नहीं है। मालूम नहीं ना होगा ना, अमीना ना बैंक तो तार ताजिक आए ना गए ना अनुभव में ना आना ना अमीना तार कमियर आए अनु लांग का आया
नहीं इलाज से कष्ट वाला मपला है अदु जा इंटरा सो आस्म इलाज नहीं आप दो पाए है हां हो लेंगे तक निकला ना हो सी डालिंग निकला आलो सो लंबा हाकू बरेम पलंग से नहीं तक सला पलंग से रियो बसो इलाह बात बात ले लम लम तक दो तो ना लुंके दोपा हम ना आई नहीं सिंगो जाकर देखें जुट क्यों पातल लम कम दोपा होगे सिके कम होगे पाते दुम्पोंग कम दोपा लुंके दोपा सिंबल ना आई पूरा लुंके दादे दोपा आलो कापा तेरी नो कर काबल काला ताई नुल्ले काला तेरी अलग जा काबल होना हेलो पाए पाया चो नुन्यम आई आज तो रास्ता तो कुछ मालूम नहीं है बस गलत रास्ता पे आते रहो इतना दूर आने का बाद गलत रास्ता गलत हुआ है बोले पता चला है बहुत तकलीफ है रे और ऐसे भी ये रास्ता भी ऐसे कुछ क्लियरेंस वाला रास्ता नहीं था इतना इतना कठिन रास्ता है आने में ऑलमोस्ट 45 मिनट लग गया यहाँ तक पहुँचने में और सुना है कि नीचे में है यानी कि हम पार कर दिए और जो भी आएगा ये जब आप वहाँ से गुजर के आएगा ना नीचे से ये इलायची गर्दन या आप इलायची बोलता है या उसको ये कर्दमम बोलता है ब्लैक कर्दमम ये गर्दन को जब मिलेगा तो सोच लो कि आप गलत जगह में आ गया तो आपको दिशा बदलना है मतलब आप जो यहाँ से डायरेक्ट कर्दमम गार्डन से आप वापस जाना है वापस जाके तो आगे मिल जाएगा बोला है बताने में तो अभी बताया लेकिन देखते हैं फिर गलत जाएगा ना सीधा जाएगा ये ना आगे आगे चलता है इतना दौड़ मार के जाता है रास्ता गलत लेके आया है आगे गेजुए है बोल कर ऐसे दौड़ मार कर जाने से फिर बोलता है नहीं आगे आगे तो गेजुए था लेकिन कुछ कीचड़ का वजह से मेरा ये जूता जो उदत लेस का है इसीलिए कीचड़ में चला जाने के लिए तकलीफ था तो उसने हमको ओवरटेक कर लिया नहीं तो तोड़ ही ना हमको ये सकेगा जंगल से पहाड़ वहाड़ चढ़ने में ऐसे भी टॉनिक लेने वाला आदमी है हाँ या देखो इतना काफ़ी मेहनत के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनी पे देखो ये जो पत्थर देख रहा है ये है पुलिंग संग्रह और उसको मैं दिखाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा क्योंकि घूम घूम के बहुत थक गया है इसलिए थोड़ा सा आराम से रेस्ट करने के बाद तब आप लोग को दिखाऊँगा देखो ऐसे भी बारिश बहुत आ रहा है पूरा बादल आसमान पे काला काला बादल छाया हुआ है देखो और ये दोनों पीछे में देखो अदा मुरा होके दो तो इंसान यहाँ भी पीछे में है बहुत अदा मुरा हो गए बारिश भी पूरा भीग गया है और नीचे जूता को तो देखने का लाइक नहीं है तो रेस्ट कर लेगा आगे देखिए इसमें बहुत अजीब है डायरेक्ट नेचुरली पत्थर कैसे बनाया देखो चढ़ के देखता ऊपर में आओ वाह 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 चाहता चाहता नहीं चाहता देखो ये रहा पत्थर का ऊपर में अब मैं नीचे जंप मारेगा बोल दस ये बोले जब मारेगा देखो इसे बहुत सारा कहा जाता है कि यह पत्थर में कुछ बालू का मट्टा है या टाइगर का मट्टा है या लायन का मट्टा है बहुत सारा जानवर का मट्टा है और कुछ कुछ हद तक मैंने जो इंसान का ये पैर का निशान भी है वाले लेकिन मैंने पूरा आज छपा छपा चांद मारा है देख लिया है ऐसे तो कुछ तो दिखाई नहीं दिया शायद जो अच्छा से मालूम होगा ना वो आप बता सकेगा वही होगा लेकिन बहुत सारा निशान भी है देख के शायद मैं कम्प्लीटली नहीं है भी तू बोल नहीं सकता है ना लेकिन हमको जो देखने का नज़रिया है जो पहचान नहीं पा रहा है वो अलग बात है आप देखिए ये जो बहुत ही अजीब है कुछ कहीं वीडियो में देखा है जब ये पत्थर को या थंग थंग करने से
ये पत्थर का आवाज टोंक 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 बजता है, लेकिन ये तो मसीह है, ये तो पत्थर का जैसे आवाज दे रहा है। देखो कुछ तो महसूस नहीं हो रहा है शायद। देखो इस पत्थर का घर पूरा बना हुआ है, आप वीडियो में शायद दिखाई नहीं देगा। बजता तो नहीं है, लेकिन शायद कैसे करके बजाया था मालूम नहीं। वो लोग जो सुनने में, मैं अपना खुद ही वीडियो को देखा था ऐसे तो देखो पत्थर बस यही है, और इसमें कुछ छोटा छोटा पत्थर है। ये ऊपर साइड में भी देखो कुछ कुछ छोटा छोटा पत्थर बहुत सारा है। ये जो स्टोन लेट किया है अटार वेलफेयर सोसाइटी है TWS, जो कि 2000 में ये फाउंडेशन स्टोन कलेक्ट किया था, और एक जो तार क्लान जो उसको ये डोनेट किया है ये फाउंडेशन स्टोन को, और उसी को माना जाता है ये जगह को जो ना पुलिंग संग्रह, जो बैकग्राउंड में जो पत्थर देख रहा है आप देख सकता है ये पत्थर लुक। आओ ये पत्थर लुक को देखिए, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब पिक्चर में देखता है बहुत छोटा देखता है ना, लेकिन जब एक्चुअली प्रैक्टिकली आप यहाँ आके देखेगा तो बहुत बड़ा है। और इसी तरह पत्थर जो ये सबसे बड़ा पत्थर यही है, और बगल में बहुत सारा छोटा छोटा पत्थर है, और ये जब मिलांग वाला के आपको ये उसको ब्यूटिफिकेशन कलर इन्हेंस करता है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। और मेरा इतना अनलक्की है कि आज बारिश भी दे रहा है, और सकने से कभी दिन मैं जब आऊँगा ड्रोन लेके आऊँगा तब तो आपको अच्छा से ये ब्यूटी को दिखाएगा, ये सराउंडिंग को जितना टॉप से दिखाएगा। तो बस हुए था, तो बारिश भी अभी बहुत देर है तो निकलता है, तो आज का ये जर्नी यहीं पे जो डेस्टिनी फाइनल डेस्टिनी पे पहुंच गया है, लेकिन वीडियो तो समाप्त नहीं होगा, आप मेरे साथ बने रहना है क्योंकि अभी फिर वापस जाएगा, अब वीडियो में बने रहना है। ये गच्ची को अच्छा से देखिए कैमरामैन, ये गच्ची को अच्छा से देखा दीजिए। फिर हम लोग ने गुजर के गया है इस तरफ, लेफ्ट तरफ मारा है। जब लेफ्ट तरफ गया है तो वहाँ में कर्दमम गार्डन निकला है, तो वहाँ पहुँचना नहीं है आपको, इस तरफ जाना नहीं है। अगर इस तरफ कर्दमम गार्डन देखा मिल गया बोलने से डायरेक्ट गलत दिशा है, तो सीधा वहाँ से वापस आके आपको यहीं से राइट टर्न करना है। राइट टर्न करेगा जस्ट यहाँ से हार्डली 2 मिनट 1 मिनट जाएगा, पैदल करके जाएगा, इसे मिल जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग का बात है कि आज मेरा साथ एक ये दोस्त मिला है, उसका साथी एक जो था वो यहाँ तक चल नहीं पाया है, काफ़ी एज वाला है, असम से आया हुआ है, और आपका नाम बताए। बदम पर सामने आ जाए। मेरा नाम बदम है। बदम क्या? बदम है बदम टाइप। बदम टाइप, अच्छा, मतलब आप आदिवासी? आदिवासी नहीं, मिसिंग। और मिसिंग है ना, अच्छा मिसिंग है, हमारा मिसिंग भाई है। तो ये बहुत उसका भी गलत वे में आया, कोई उसको गलत बता दिया है, ऐसे तो गलत बता दे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मानना था कि यहाँ में कुछ भगवान का कुछ शिव का कुछ मूर्ति है, आदमी उसको ऐसे बता दिया है। शिव का यहाँ में कुछ हिंदू का रिलेटेड कुछ भी मूर्ति उर्ति या कुछ भी पत्थर उत्तर नहीं है। तो रास्ता पे मिला था उसको जस्ट ऊपर में, तो मिला है यहाँ में आके आके बहुत सारा उसको भी घुमाया, हम भी घुमाए। घूमने के बाद फिर यहाँ तक आके पुलिस संग्रह को दिखाई दिया है। देखने के बाद भी हमको पूछा है कि और वो जो भगवान का पत्थर कहाँ में, हमको पूछा है, हम बोला है सिर्फ ये स्पॉट है बोला है। फिर बाप भी ये मालूम नहीं कौन बता दिया होगा, आपको कौन बताया है? ये पहले सुना है ना, हाँ भगवान का गणेश मंदिर सुना है। अच्छा, तो इसलिए जो भी है या मैं कोई किसी को गलत का इंफॉर्मेशन नहीं देना है, सही का सही इंफॉर्मेशन देना है। या मैं हिंदू रिलेटेड कुछ भी शिव का या गणेश का कुछ भी पूजा या कुछ मूर्ति वूर्ति स्टैचू कुछ नहीं है, टेम्पल वेम्पल मंदिर तो नहीं है, बस है तो हमारा तार सोसाइटी का जो सदैव से आया ना, वो लोग जो तार सोसाइटी उसको अपना प्रॉपर्टी मान के रखा है, वही है जो अभी जो आपने वीडियो में देखा है पुलिंग संग्रह बोल के। तो इसमें ऐसे है कि तो हम ये विश दुआ करता है जितना भी है यूट्यूबर है इस पर दमादम आ जाए, ताकि हमारा लोकल जगह जो पुलिंग संग्रह है प्रमोट हो जाए, ताकि इंटरनेशनल का टूरिस्ट और भी आओ। और ऐसे भी देखो अभी तो रास्ता बहुत तकलीफ है,
यहाँ में आप देख सकते हैं रास्ता बहुत तकलीफ है, मगर क्या है कि बारिश भी बहुत देर है और ये जितना अपना टूरिस्ट को ये बोलेगा स्पेशली ये समर सीजन को मत आइए, जब विंटर को होगा आप लोग आराम से आ जाइए, तब तकलीफ भी नहीं होगा। बहुत तक चुका है, ये कोई गलत रास्ता पे चल रहा है, गलत दिशा गया है, गलत जगह गया है और ऐसे तक गया। साथ में पिक्चर जितना का आप खाना देखो, और जो पहले ये सीढ़ी से मैंने चढ़ने से पहले आप लोग को समय बताएगा बोला था, हार्डली इसमें तो जाएगा, अगर मैम गलत दिशा गया इसलिए मेरा टाइम तक ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें लगेगा आपका कितना। जो फर्स्ट वॉकर होता है, ट्रैकिंग जो जल्दी जल्दी करता है, वो सबके लिए रेयरली 20-25 मिनट में लग जाएगा या 15 मिनट 20 लग सकता है, लेकिन जो स्लो ट्रैकर करता है आधा घंटा में आराम से पहुँच जाएगा। जो लेडीज़ हो या जो स्लो बहुत मेल हो या ना, हो जाएगा इतना ही आज का। और होने से पहले अभी मैं अपना आपको धो लेता हूँ, जूता को पूरा खोल के अभी धोना पड़ेगा। आओ उस तरफ जाएगा। जब भी आप नदी में या भारी सीजन में आप हाथ पैर धोता है ना, ऊपर में बार बार देखिए, क्योंकि बहुत सारा खतरा ऐसे हुआ है कि ऊपर में नहीं देखिए, पूरा धोने नहा वहा ये धोते समय में पानी ऊपर से आके ले जाता है, बह के ले जाता है। इसलिए जब आप वहाँ से गंदा वाला पानी आएगा तो आपको मालूम होना कि पानी जो ह्यूज वॉल्यूम से आ रहा है, बहुत सारा ना पानी जो ना, तो इसमें आप सीधा भाग देना है। तो मैं संभालता हूँ, देख देख के मैं भी होशियार रहेगा। इसका तो पहले आपको सभी को नाम बता चुका है, तो ये है कि एक गलत कोई किसी ने इंफॉर्मेशन दे दिया, उसी के कारण यह हमें आ गया है। तो आपका नाम जो हाँ गिरन ना गिरन मेरो। अच्छा, तो ये जो काफ़ी उम्र हो चुका है इसी का कारण ये भी जाने का मन था, लेकिन जाने नहीं सीखा है बोलो। जाने नहीं रहेगा बहुत ऊपर में ना, हाँ नहीं रहेगा। अब कल यहाँ में घूम के आया था, हाँ ऊपर में बहुत जगह है ना, हाँ इसलिए आप होगा। अच्छा होगा, मिलेगा। हाँ आप पानी चाहिए, पानी पिएगा, पानी चाहिए, गाड़ी भी है, चलो चलो होगा, मिलेगा। चप्पल को छोड़ दिया आप, होगा होगा, बाय बाय। हाँ तो देखिए अभी जो बुरा था जो उम्र वाला, अभी बहुत जाने का मन था लेकिन क्या चल नहीं सका है। ये देखो मिस्टर जगुआ बहुत अधमरा हो गया, हालत पूरा बिगड़ गया है उसका, तो बिगड़ गया एकदम, हालत बिगड़ गया। बचपन का याद आ रहा है उसको खाते हुए, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये मिलता है बोले खा के निकल जाएगा। रेस्टो का नाम में ये मिलते ये रेस्टो का नाम में ये मिलते। बहुत चाय पीने मन था लेकिन चाय नहीं मिला है, क्योंकि इसमें चाय बनाने वाला नहीं था बोला है, लेकिन क्या करेगा, निकल जाता हूँ शायद पालिन में जाके पिएगा बाद में। वाह ये देखो इतना खराब से गिरा है रास्ता, ऊपर को देखने से पूरा गिरेगा गिरेगा से लग रहा है। अभी का रास्ता शायद आप देखा होगा बहुत ख़राब से हुआ है, और फाइनली हम तो ये हाईवे में पहुँच चुका है, और वहाँ मैं जब फेले था बहुत तकलीफ था, रास्ता को तो मत ही बोलो, अभी तो निकल गया है ठीक ही है। और लेकिन फिर भी यहाँ में अभी मेन डर है कि आगे तरफ में जब पहले से गुजर के आ रहा था बहुत लैंडस्लाइड हो रहा है, और अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा है, तो थोड़ा सा डरने का बात तो है। और ये देखो तो एक बार में रास्ता पूरा फोगी फोगी हो गया, जस्ट अभी थोड़ा आगे में दिखता और यहाँ पहुँचते हुए डायरेक्ट फोगी। कोल पाली में पहुँच चुका है अभी, थैंक्स गॉड। और यहाँ से अभी लेकर रास्ता पूरा सेफ्टी है, जितना भी अगर बारिश गिरता है बोलने से भी ना, क्योंकि यहाँ इतना रिस्क टेकिंग वाला रास्ता नहीं है अभी, और आराम से चल सकेगा जितना बारिश आप, कुछ बात नहीं है।
फिलहाल अभी मैं जैस थोड़ा पहले पालिन को क्रॉस करके वापस बस्ती की ओर जा रहा है, और आज का जितना भी एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि रास्ता जब आप खुद वीडियो में देखा है रास्ता जो चरने का रहता और फिल्म संग्रह का, इतना अच्छा लगा पूरा किचर किचर हो के ना, इसमें कुछ मज़ा ही और ही था, और साथ में बारिश जो गिरा है वाह मज़ा लगा है। और शायद कि मैं आप लोग को अच्छा से वीडियो को फिल्म संग्रह को शायद अच्छा से भी नहीं बता पाया होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कभी दिन मैं ट्राई करूँगा और फिर से आने के लिए ये जब भी मिलेगा, अगर अच्छा समय मिलेगा तो ठंडा सीजन में। तो मैं तो अभी ऑलरेडी तो क्रॉस कर चुका है, ये पालिन को भी क्रॉस कर चुका है, अभी मैं फिलहाल अपना की पंजर अकरा वादी का ये बाउंड्री पे मैं पहुंच चुका हूँ। तो बस इतना है, कुछ आप आज का एक्सपीरियंस मेरा दोस्त कुछ बोलना चाहता है आप जो? बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था आज का एक्सपीरियंस तो, और वही अजन जो बोला अभी, काश उसमें एक ऐसा होता कि हिस्ट्री जानने वाला एक आता तो और अच्छा होना था। अजन को आगे से हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आए तो हिस्ट्री पता होने वाला को, पलंग संगरी का जो हिस्ट्री पता होने वाला को लेकर आए और अच्छा से अच्छा उसको दिखा दीजिए, बस उतना ही। अच्छा ये भी तो बहुत अच्छा बोला है। तो होप करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगो या ना लगो प्लीज़ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक आप लोग फिट रहना और खुश रहना, बाय बाय।